हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कोडेटा अडॉप्टेशंस में जो मछलियों के टेल फिन होते हैं उनके बारे में, जो मछलियों के पुच्छ पंख होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके कितने टाइप होंगे, सभी टाइप्स के प्रकारों का अच्छी तरीके से हम वर्णन करेंगे और डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया जाएगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाएं। पहले हम देखें जो मछलियों के पुच्छ पंख होते हैं, जो मछलियां होती है उनमें जो टेल होती है, पुच्छ का मतलब होता है टेल, ठीक है। टेल पे कुछ फिन पाए जाते हैं। अब वो अलग अलग मछलियों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। ये उनके जो मछलियां होती हैं उनके तैराकी स्वभाव पे निर्भर करता है कि भाई तैरने वाली है किस प्रकार से। कोई मछली अलग प्रकार से तैरती है तो उसमें टेल फिन होगा वो अलग प्रकार का होगा। कुछ मछलियों में उसकी बाह्य और आंतरिक संरचना के आधार पर भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो मछलियों में जो टेल फिन होते हैं, पुच्छ पंख होते हैं, वो एक बड़ी और उदग्र प्रसारित संरचना की जैसा होता है। ये होते हैं टेल पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो आप मछलियों के पुच्छ पंख यानी टेल फिन होते हैं वो यूरो स्टाइल के दोनों ओर पाए जाएंगे। आपको यूरो स्टाइल के दोनों ओर अस्थिर छड़ों द्वारा अवलंबित होते हुए आपको मिलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो मछलियों के टेल फिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम नॉर्मली इनके प्रकार को देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रत्येक की अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसके टाइप्स के बारे में अगर अपन देखें तो ये लगभग नौ टाइप के होते हैं, ठीक है। नौ टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्रोटो सर्कल, ठीक है, प्रोटो सर्कल। दूसरा होता है हेटेरो सर्कल। तीसरा होता है आपका प्रोटो हेटेरो सर्कल। फोर्थ होता है आपका डाइफाई सर्कल। फिफ्थ है आपका आइसो सर्कल। सिक्स्थ है आपका होमो सर्कल। सेवन है आपका जीफाइरो सर्कल। एंड एट्थ है पोलिप्टेरस। और नाइन्थ लास्ट है वो आपका हाइपो सर्कल होता है। तो इन सभी के बारे में प्रत्येक की डिटेल में अपन स्टडी नीचे करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते रहिएगा वीडियो को। अब देखो, पहला आपके पास आता है प्रोटो सर्कल टेल। प्रोटो सर्कल पुच्छ किस प्रकार की होती है? ये जो प्रोटो सर्कल पुच्छ होती है वो साइक्लोस्टोमा और कुछ जो लिविंग फिशेज होती हैं उनमें पाई जाती है। जो प्रोटो सर्कल पुच्छ होती है वो कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है। देखिएगा, ये इसका डायग्राम है, कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। ये प्रोटो सर्कल टेल है। ये आपकी इसमें हो गई नोटोकोड, ठीक है। ये है एपिकोडल लोब होगी ऊपर वाली, और ये हाइपोकोडल लोब कहलाती है। जो प्रोटो सर्कल टेल होती है ये सबसे आदिम प्रकार की यानी सबसे प्रिमिटिव प्रकार की होती है टेल। इसमें जो नोटोकोड होगा ना, वो नोटोकोड बिल्कुल सीधा पाया जाएगा। नोटोकोड कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है तथा टेल के अंतिम सिरे तक प्रसारित होता है। देखिए, ये जो नोटोकोड है ये टेल के अंतिम सिरे तक इसमें प्रसारित हो रहा है और एक बिल्कुल सीधा नोटोकोड इसमें पाया जाता है, ओके, ध्यान रखना। जो अगर आप देखो ये नोटोकोड बिल्कुल सीधा है और लास्ट तक है, तो इसकी जो पूंछ है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, सही है कि नहीं है? ऐसे अगर इसे डिवाइड करें तो ये देखो दो भागों में हो गई बराबर। इस प्रोटो सर्कल टेल में क्या होता है कि जो फिन फोल्ड होते हैं वो पृष्ठ और जो एनल फिन है उसके साथ जुड़ के एक कंटिन्यूस फोल्ड बनाएगा, जिससे पंख अर होते हैं ना उनका अभाव हो जाता है इनमें, ओके। और जो प्रोटो सर्कल टेल है वो साइक्लोस्टोमा और कुछ जीवित प्रकार की लिविंग फिशेज होती हैं उनमें पाया जाता है, ओके बच्चों। तो आपने पढ़ा है प्रोटो सर्कल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है हेटेरो सर्कल टेल, ठीक है। हेटेरो सर्कल टेल को देखिए, ये जो टेल होती है कुछ इस प्रकार की टेल होती है, इसको देखिएगा, राइट। हेटेरो सर्कल टेल है, इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो अपने लास्ट सिरे तक ऊपर की ओर जाएगी, मुड़ी हुई रहती है। देखो जो ये है, अब देखो इसमें डिनोट करते हैं अपन, ये ब्लू कलर से आपकी नोटोकोड है, ये देखिए ये नोटोकोड मैंने बनाई और ये देखो ऊपर की ओर जाके ऊपर मुड़ जाती है,
ठीक है, ऊपर की ओर जाकर ये नोटोकोर्ड मुड़ गई। इस हेटेरो सर्कल टेल में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसमें जो टेल है उसकी पृष्ठपाली तो लगभग अनुपस्थित होगी, या होगी भी तो कुछ कंटकों ऐसे कांटों के रूप में, कंटकों ऐसे कुछ ऐसी बनी हुई होगी, राइट। इसमें जो अधर पाली होती है वो पूर्ण विकसित है और बड़ी है। इस प्रकार की जो टेल होती है वो इलास्मोब्रैंक्स में पाई जाती है, जैसे इलास्मोब्रैंक्स में स्कोलियोडोन होगी, और जो निम्न जाति की जो आपकी फिशेज हैं इनमें ये पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोटोहेटेरो सर्कल। जो आपकी प्रोटोहेटेरो सर्कल टेल है उसमें क्या होता है कि ये एक इंटरमीडिएट प्रकार का फिन होता है। प्रोटो सर्कल टेल का जो फिन होगा यो क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रकार का फिन होता है, जिसमें जो पृष्ठ और अधर, वेंट्रल और डोर्सल एवं जो इसका टेल फिन होता है वो सब अलग अलग रहते हैं, और ये सतत वलन के पृष्ठ तथा जो आपकी अदर सतह है, डोर्सल और वेंट्रल सतह है, उसके टूटने के कारण ये जो प्रोटो सर्कल टेल है ये बन जाती है। ओके, नाउ अपन आते हैं डाइफाई सर्कल टेल के बारे में। जो मछलियां होती हैं उनमें डाइफाई सर्कल टेल होती है। ये डाइफाई सर्कल टेल डिप्नोई फिशेज होती है, जैसे काइमेरिया हो गया, प्रोटोप्टेरस होगी, इस प्रकार की जो फिशेज होती हैं उनमें डाइफाई सर्कल प्रकार की टेल फिन पाई जाती है। डाइफाई सर्कल प्रकार की जो टेल है वो क्या होगी कि ये प्राचीन मछलियों की प्रोटोसर्कल पूंछ के समान होती है। ये ध्यान रखना है इसमें, ये जो टेल होती है ये जो पुरानी मछलियां हैं प्रोटोसर्कल टेल वाली उनके समान होती है, कुछ उनकी जैसी होती है। इनके डायग्राम को आप यहाँ पे देखिए, ये आपको है डाइफाई सर्कल टेल का डायग्राम है। इसमें देखिए कुछ ये है आपकी टेल, राइट, और ये जो बने हुए हैं इस पे These are fins. ये आपको fins नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ओके? तो इसमें क्या होता है कि नोटोकोर्ड जो टेल है ना उसके लास्ट सिरे तक सीधा प्रसारित होता है। देखिए ये देखिए, इसमें दूसरा डायग्राम मैंने बनाया है, तो इसमें आप देखिएगा कि जो नोटोकोर्ड है वो लास्ट तक है, ठीक है, लास्ट तक देखिए यहाँ पे ये नोटोकोड है, राइट, और लास्ट तक बिल्कुल सीधा प्रसारित हो रहा है, यानी जा रहा है। नोटोकोड पुच के अंतिम सिरे तक इसमें सीधा प्रसारित होता है, और इसमें क्या होता है जो फिन लोब्स होती है वो सममित रूप से उनके ऊपर एवं नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाती है। देखो फिन लोब्स क्या होगी कि एक फिन लोब ऊपर हो गई और एक फिन लोब इसमें नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाती है, राइट। नोटोकोड बिल्कुल इसमें सीधा होता है, और डाइफाई सर्कल प्रकार की जो टेल है वो डिप्नोई फिशेस जैसे